Are you ready to ace your preparation? Are you ready to fulfill your dreams? Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to take one step closer to your dreams? It's time to experience something glorious. एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एक ऐसा महासंग्राम जो बैंकिंग एक्सपेरेंट को लाएगा अपनी मंजिल के करीब रोड इज टू आर टफर किस यूट्यूब चैनल पर होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज जहां आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस बाय बेस्ट बैंकिंग फैकल्टीज रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम फॉर फ्री क्लासेज सब्सक्राइब टू एग्जाम्पुर बैंकिंग क्लासेज एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट

बट यू आर टफ इस यूट्यूब चैनल आरोप होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेज अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज जहाँ आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस फैकल्टीज रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम फॉर फ्री क्लासेज सब्सक्राइब टू एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एंड प्रेस आइकन फॉर मोरअ Everyone, तिवारी so बच्चे स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जी और सॉरी जी और बी एंड स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त कलीग रिलेटिव रिश्तेदार नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन उतना ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है ना जितने ज्यादा लोग होंगे उतना इंपॉर्टेंट सेशन होगा तो भाई एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो सोनिका कैसी है आप वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा आप कैसी हैं गुड इवनिंग एवरीवन राजकुमार वेरी गुड इवनिंग और बिल्कुल यहां पर मैं देख सकती हूं रा रमाकांत वेरी गुड इवनिंग जागृति गुड इवनिंग कैसी हैं आप देसी बॉय हेलो कैसे हैं गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग अच्छा फिर आ गए आप चलो बहुत-बहुत अच्छी बात है ये तो और फिर से अगर आप फिर आए हैं तो फिर से आपका स्वागत भी है ठीक है ना चलो एक बार फटाफट से बच्चे सेशन को ना शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है भाई मेरी स्वेटर के साथ क्या मजाक हो गया ये ये लो खत्म काम चलो तो चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ देखते हैं क्या कुछ नया है आज के सेशन में तो बच्चे एक बार फटाफट से यार सेशन को शेयर कर दो राकेश अभिषेक अभिषेक हेलो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एवरीवन हेलो एंड गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी <स्याँग> गुड इवनिंग ऑसम बढ़िया है चलो अच्छी बात है हेलो अब बीरेंद्र राजकुमार पूनम रंजन इमरोज ओके हेलो एवरीवन एंड गुड गुड इवनिंग एवरीवन चलो बच्चे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ जैसा कि आपको आपको पता है मैंने आपको पहले ही कहा था कि सैटरडे का जो दिन होगा यहां पर होगा स्टैटिक जीके ठीक है सैटरडे का जो दिन होगा यहां पर क्या हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके गलती से मैंने फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक डलवा दिया था बट नहीं अपने जबान का पक्का होना अच्छी बात है और होनी भी चाहिए और कहते ना एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती है ना और कमिटमेंट मैंने ये की थी आप सभी से कि भाई हर सैटरडे हम स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे तब तक जब तक हमारा नाइट वाला शो नहीं होता है ना हर सैटरडे हम स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे और बाकी के दिनों में हम कौन सी क्लासेस लेंगे तो बच्चे बाकी के दिनों में हम क्लासेस लेंगे आपकी जो बैंकिंग की क्लासेस होती है वो सो अनी वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप वेलकम बैक ओके अभिषेक हेलो हेलो अभिषेक कैसे हैं आप अरे अरे मैंने कहीं सुना है हेलो अभिषेक हेलो हेलो अभिषेक कहाँ पे हाँ वो मूवी आई थी ना कौन सी गोलमाल माल हेरा फेरी ऐसा कुछ तो गोलमाल थी यार शायद मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है mm, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिसमें वो तीन हीरो होते हैं ना अक्षय कुमार होता है एक और एक रितेश देशमुख और एक अभिषेक बच्चन हाउसफुल हाउसफुल बिल्कुल सही देखो हमारे एडिटर जी हमें बता रहे हैं कि मैडम वो हाउसफुल मूवी थी है ना तो बस उसी में वो रैपर रहता है ना अभिषेक तो वो ऐसा करता है तो बस वैसे ही मुझे याद आ गया हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब जागृति आपका आशीर्वाद जब तक है तब तक सब बढ़िया है अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा और हमेशा सब बढ़िया ही रहेगा मैम एनपीए की पी डी है अच्छा पी नहीं मिली अभी तक आपको एनपीए की चलो कोई बात नहीं आज मिल जाएगी अभी तक अगर आपको एनपीए की पीडीएफ नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी ओके okay. रोशन अंकित ओके okay. कैसे हो मैम मैं बढ़िया हूँ रोशन आप कैसे हैं बताइए कैसे हैं बच्चे आप सभी तो यार एक बार ना सेशन को दबा के शेयर कर दो और उसके बाद बिल्कुल हाँ थोड़ा हंसी मजाक भी बनता है है ना बनता है बॉस आई हेट मूवी ओ माई गॉड यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट रमाकांत एन टोटली अप्रिशिएट चलो टाइम बता देंगे मैडम जी बिल्कुल बता देंगे पूछो तो भाई किस चीज का टाइम पूछना है अगर आप मेरी क्लासेस का टाइम पूछ रहे हो तो मैं आपको अरे मुझे चाहिए हाँ चलो तो देखो अगर आप मेरी क्लासेस का टाइम पूछ रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी क्लास जो है बच्चे साढ़े पर होती है एसएससी में ठीक है तीन बजे होती है डिफेंस वॉरियर बाय एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैं नेवी का नेवी की क्लास डिस्कस करती हूँ और चार बजे रोज शाम को चार बजे हम यहाँ पर आ जाते हैं बैंकिंग फाउंडेशन 2.0 बैच में बैंकिंग क्लासेस का डिस्कशन करने रोज शाम को चार बजे हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं भाई बैंकिंग फाउंडेशन 2.0 बैच में बैंकिंग की क्लासेस का डिस्कशन करने के लिए बल्ला सॉन्ग सुनाओ मैम जी प्लीज अच्छा नहीं मिलेगी पीडीएफ जब तक मैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करूंगी ओहो हो क्योंकि मैम को शायद दिलानी पड़ती है पीडीएफ 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 नहीं 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 आप टेलीग्राम ज्वाइन करो पीडीएफ आज मिल जाएगी इस सेशन के बाद आपको पीडीएफ में अपलोड करके दे दूंगी शुभम अभिषेक ऑफिशियल डीसी चौधरी दिनेश कुंवर दि, दिल ओके अच्छा अरविंद आपको पेड कोर्स लेना है बच्चे पेड कोर्स भी जल्दी ही आएंगे आप ये तो बताओ आपको किस चीज का पेड कोर्स लेना है ये मैटर करता है ना कि आपको किस चीज का पेड कोर्स लेना है सबके लिए भाई सबके जीके तो हर एक एग्जाम एक में आता है तो देखो बतिया बहुत लिया मुझे दो मिनट का समय दो मैं फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दूं आप भी शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बहुत शानदार फिफ्टी वन वॉचिंग है ओके बिल्कुल बिल्कुल बच्चे एग्जामपुर के बच्चों एकदम हल्ला बोल कर दो दीपक वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग दीपक कैसे हैं आप दीपक गुड इवनिंग इशू एग्जामपुर एक, एग्जामपुर पे कब है टाइम मैडम जी पर यही शाम को चार बजे रोज क्लास होती है एग्जामपुर पे शाम को बजे रोज एग्जामपुर पर क्लास होती है राम राम शुभम कैसे हैं आप अच्छा बच्चे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सत्ताईस तारीख को जो आपकी क्लास थी ना सत्ताईस तारीख को जो आपका संडे मतलब कल सत्ताइस थी तो कल जो संडे को मैंने आपको मंथली करेंट अफेयर का आपको प्रॉमिस किया था उसको थोड़े समय के लिए मैं पोस्टपोन करूंगी और उसे हम नेक्स्ट वीक करेंगे नेक्स्ट संडे शायद तीन या चार तारीख पड़ रही है मुझे याद नहीं है एडिटर जी जरा हमें तारीख पड़ रही है नेक्स्ट संडे को तो जो भी नेक्स्ट संडे को तारीख होगी उसमें आपकी मंथली करंट अफेयर की क्लासेस होंगी ठीक है बच्चे क्योंकि इस समय पर तीन तारीख हाँ तो तीन तारीख को आप मैं नहीं चाह रही कि आप न्यू ईयर के पहले लोड लो आराम से न्यू ईयर सेलिब्रेट करो उसके बाद आपकी जो मंथली करंट अफेयर की क्लासेस है वो तीन तारीख को होगी ठीक है और वैसे भी आपका पूरा मंथ भी खत्म हो जाएगा यहाँ तो आपके तीन दिन बच ही रहे थे उस टाइम पर आपका पूरा मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तब मिलेंगी ठीक है सेकेंड चीज मैं आप सभी को बता दू बच्चे वो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संडे को ऑलरेडी बहुत सारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे कि आप क्या क्या पढ़ो तब जबकि जब मैं जानती हूं कि आप सभी के लिए करंट अफेयर भी उतना ही जरूरी है और जबकि संडे को सीडीएस की मैराथन क्लास भी चलेगी इस बार और एनटीपीसी की मैराथन क्लास भी है तो आप एक चीज पर फोकस कर लो तो हम नेक्स्ट संडे आ जाएंगे क्या दिक्कत है तो हम जो क्लासेस करेंगे करेंट अफेयर की वो होगी नेक्स्ट संडे को ठीक है एयरफोर्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा ऑफिशियल डीसी चौधरी उम्मीद है भाई की इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा ओके नेवी ए का लिए रोहित बहुत अच्छी बात है नेवी में पढ़ा तो रही हूँ नेवी में मैं आप सभी को ठीक है राम राम सत्यम मैम न्यू ईयर में कहा जा रहे हो घूमने सत्यम जी अः किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहीं घूमने फिरने जाएं काश हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती लेकिन अभी तो नहीं है यार मतलब ऐसे ही रूम पे ही गुजरनी है हमारे दिन तो अच्छा टोपी पहन लू इतनी ठंडे लग रही है बिल्कुल अच्छे से न्यू ईयर मनाइए मूड फ्रेश करिए ये लो कैसा लग रहा है सही है ना चलो पहन ली टोपी आगे बढ़ते हैं बतिया बहुत लिए हैं बढ़ेंगे सेशन की तरफ बहुत बातें हो गई जैसा कि आप सभी को पता है भाई ये स्टैटिक जीके की क्लास है वैसे ये मेनली बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होती है बट हर सैटरडे हम इसमें स्टैटिक जीके का डिस्कशन करेंगे और बाकी दिन बैंकिंग अवेयरनेस का एग्जामपुर पर जितने भी बच्चे हैं फटाफट से आप सभी अपने यूट्यूब पे टाइप करो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस ठीक है फटाफट से यूट्यूब पे टाइप करो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस और वहां पर आ जाइए यार यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है और बढ़ा दो आके एकदम कंपटीशन बढ़ा दो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस टाइप करो और सब्सक्राइब करिए उस चैनल को और फटाफट से यहां आ जाइए क्योंकि मेरे लिए मेरी क्लास एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर ही होती है ठीक है ओके अभिषेक किस एग्जाम के बारे में जानना है आपको यूपी पुलिस के देखो देसी बॉय यूपी पुलिस के लिए यहां पर अगर कोई यूपी पुलिस वाला है तो मैं बता दूं यूपी पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कल 27 नवंबर सुबह ग्यारह बजे सभी को एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर लाइव आना है कल 27 नवंबर सुबह ग्यारह बजे वहां पर आप सभी के लिए यूपी पुलिस का एक धमाकेदार सरप्राइज है चलो तो बच्चे स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में ठीक है हम है कलम से क्रांति अगर अभी तक आप अगर आप एक सीरियस एस्पेरेंट है बैंकिंग के और आपने अभी तक वाकई आप बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं और अभी तक आपने एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ जहां पर होती है सभी बैंक एग्जाम की तैयारी वो भी एक ही चैनल पर एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो जाकर अभी नहीं किया है तो वहां पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी बराबर तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है बैंकिंग फाउंडेशन 2.0 का ये बैच है ठीक है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बैंकिंग स्ट्रेटेजी के ये सब डिस्कस करेंगे तो एकमात्र लक्ष्य आपका क्या है भाई सिलेक्शन और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस ये दोनों बाई किसके तो ज्योत्सना मैम के द्वारा मतलब मेरे द्वारा ये मेरी क्लास होती है रोज शाम को चार बजे कितने बजे तो रोज शाम चार बजे मेरी ये क्लास होती है ठीक है और बिल्कुल भाई

अभिषेक किस एग्जाम के बारे में जानना ये बताओ लुकिंग स्वैग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत हाँ चलो तो बढ़ते हैं सेशन की की तरफ तो ग्रैंड स्लैम 2020 की हम बात कर रहे हैं और यहां पर हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है वो सुन लो और सेशन को शेयर भी कर दो तो सुन लो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है बच्चे सेशन को ना लाइक भी करते जाइए ज्यादा से ज्यादा और रिक्वेस्ट है आपसे कि सेशन को लाइक भी करें मैम नीतीश सर की क्लास कब होगी प्लीज करकू जी अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है ये मैं आपको पता करके जरूर बता दूंगी ठीक है मैम ओके सब्सक्राइब कर लिया चलो अच्छी बात है तो यहां पर आ जाओ सारे मजा आएगा यहाँ पर सब लाइक कर दो बिल्कुल यार सभी लाइक कर दो सत्यम जी कह रहे हैं बिल्कुल सभी लाइक कर दो चलो तो चलो मैं आपको एक बात बता दू सबसे पहले देखो ग्रैंड स्लैम क्या होता है मैंने कल भी आपको बताया है ग्रैंड स्लैम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ग्रैंड स्लैम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका ये कौन सा टूर्नामेंट था ठीक है ग्रैंड uh, स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन कप खेला जाता है किस कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन कप खेला जाता है किस कोर्ट पर इस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो मैं आपको देखो ये जो स्टैटिक जीके की क्लास है ना ये सारे एग्जाम के लिए बैंक एस रेलवे स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो हर एक एग्जाम आपका एन आ रहा है अभी उसके लिए भी ये स्टेटिक जीके की क्लास उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में ना स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ठीक है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स लाइक आपका ग्रैंड स्लैम हो गया आई हो गया ओलंपिक हो गया इस टाइप के चीजों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना तो देख लेते हैं व्हाट इज द ग्रैंड स्लैम तो देखिएगा ग्रैंड स्लैम में बेसिकली चार टूर्नामेंट होते हैं और पांच इवेंट याद रखना ग्रैंड स्लैम में बेसिकली चार टूर्नामेंट होते हैं और पांच इवेंट होते हैं वो जो चार टूर्नामेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लो वो चार टूर्नामेंट में सबसे पहला होता है आपका सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन तीसरा होता है आपका विंबलडन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें ये सारी चीजें हो गई अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके इवेंट्स होते हैं मैंने बोला चार टूर्नामेंट पांच इवेंट्स तो पांच इवेंट कौन कौन से हैं ये देख लो पहला इवेंट होता है मेंस सिंगल, मतलब सिंगल मतलब पुरुष एकल दूसरा इवेंट होता है विमेंस सिंगल मतलब महिला एकल तीसरा इवेंट होता है मेंस डबल मतलब कि पुरुष युगल फिर होता है आपका विमेंस डबल मतलब कि महिला युगल फिर होता है आपका लास्ट में मिक्स डबल मतलब मिश्रित युगल है ना तो इस तरीके के चार पांच इवेंट आपके होते हैं और चार टूर्नामेंट चीज आपको याद रखनी है अब चलो आगे बढ़ते हैं यार सेशन को शेयर करते जाओ लाइक करते जाओ रिक्वेस्ट है सभी से परमीत मैं बढ़िया हूं आप कैसे बड़े दिनों बाद आप देखे आज परमीत क्या बात है हर हर महादेव हर हर महादेव ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मैडम सत्संग जी किस बारे में बात कर रहे हैं अब? अच्छा कौन से एग्जाम की क्लास है ये आपकी देखो ये स्टैटिक जीके की क्लास है और आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसमें कवर होते हैं स्टैटिक जीके की इस क्लास में सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कवर होते हैं एग्जामपुर है आपको सौ प्लस वॉचिंग पहुंचानी है बेटा याद रखना हंड्रेड प्लस वॉचिंग पहुंचानी है याद रखना ठीक है चलो ये आपका टारगेट है और इस टारगेट को बिल्कुल खत्म नहीं करना है याद रखना इस बात को ठीक है ओके मुस्कान जी आपने जो चीज कही है मुझे कुछ खटक रही है ठीक है जरा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे मुस्कान आप हैं कौन बेटा अपना पूरा नाम बताना जरा मुझे चलो तो ग्रैंड स्लैम का हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी चलो आगे बढ़ते हैं तो द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो चार मोस्ट टूर्नामेंट होते हैं टोटल कितने टूर्नामेंट होते हैं चार होते हैं पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले ही कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1905 में शुरू हुआ था लास्ट जनवरी में स्टार्ट होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और मेलबर्न पार्क 2020 इसका वेन्यू था और भाई राशि आप देख सकते हो कितनी है है ना विनर राशि देख सकते हो आप कितनी ज्यादा है ठीक है अब मैं आपको बता दूं कि हार्ड कोर्ट होता कैसा है जिस पर ये खेला जाता है ठीक है मत ही देखो आप इसको इतने में देख लो चल जाएगा अगर हार्ड कोर्ट पर कुछ ऐसा बड़ा होता है तो ये बॉडी हैंग हो जाता है ठीक है नेक्स्ट आपने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमने कुछ डिटेल देखी थी डिटेल में हमने देखा था क्या कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के कुछ की पॉइंट देखे थे द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर टेक्स प्लेस वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहलाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन उसके बाद हमने देखा था टेक्स प्लेस इन द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ मेलबर्न में यह खेला जाता है हमेशा और उसके बाद हमने क्या देखा था कि कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक नोवाकोच ये, ये आठ बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैं से सिंगल का खिताब यह कितनी टोटल आठ बार जीत चुके हैं भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हाई मैम योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी पावरफुल थैंक यू सो मच मुस्कान जी आप छोड़िए लाइव गेमर हेलो हेलो कैसे हैं प्रणाम तो देखो बच्चे यहां से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं क्वेश्चन पहला कि कि नोवाक जोकोविच जो सबसे ज्यादा बार जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका आंसर होगा सर्बिया कितनी बार जीता है तो आपका आंसर होगा आठ टाइम कौन सा गेम जीता है तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स ठीक है चलो अच्छा स्क्रीनशॉट लेते जाओ वैसे जरूरत तो नहीं है मैं दे दूंगी आपको ओके ओके तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है वो अठारह में खेला गया था शुरू किया गया था इसकी डेट क्या होती है तो मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होता है बात करूं किस टाइप के कोर्ट पर ये खेला जाता है तो बच्चे आपका आंसर होगा क्ले किस टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है तो आपका आंसर होगा क्ले वेन्यू जो है इसका पेरिस है ठीक है और प्राइज मनी आप देख सकते हैं यूरो में है क्ले में मतलब कुछ ऐसा मिट्टी होती है उस मिट्टी पर इसको खेला जाता है ठीक है देख लो आप देख सकते हैं पिक्चर में रेड कलर की ये मिट्टी होती है जिस पर ये खेला जाता है और बैंकपुर वालों बेटा आपके में भी आते हैं गेम्स पर क्वेश्चन आपको बता दू है ना थोड़ी सी शर्म करो और सेशन को अटेंड करो क्योंकि आप भी जानते हैं भाई एस बी आई पीओ प्रम्स के बाद सिर्फ मेन ही देना है पीओ का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद याद रखना वेरी गुड लोटस बड़े लोटस बड़े दिनों बाद आज आपके दर्शन हुए बहुत समय बाद आज आप आए हैं क्या बात है प्लीज मुझे कोई बताएगा आप कमेंट क्यों ऐसे करते हो डिलीट करना पड़े हाँ चलो छोड़ दो छोड़ दो कोई बात नहीं सोनू सर्बिया बिल्कुल सही बात है सर्बिया मैम प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन बताइए नीरज ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बता देंगे ठीक है इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए नीरज जी फिर मैं आपको बता दूंगी ठीक है चलो आगे बढ़ते बच्चे सेशन को शेयर करो यार बैंकपुर वालों कहाँ चले जाते हो बाकी क्लासेस में आपकी तीस पैंतीस वॉचिंग होती है बस जीए ही है जो पढ़ने का मन नहीं करता हाँ एक जीए ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी हालत खराब हो जाती है पढ़ने में ऐसा क्यों भाई वाओ लोटस वेरी गुड वेरी गुड लोटस मैनी ओके चलो ये बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका क्या फ्रेंच ओपन के बाद हम हाँ आते हैं विंबलडन पर विंबलडन को एक सबसे पुराना गेम बोला जाता है विंबलडन को एक सबसे पुराना गेम 1877 में ये आया था ठीक है कब से कब तक तो जून के लास्ट और जून जुलाई के फर्स्ट में ये खेला जाता है जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट में खेला जाता है किस पर खेला जाता है तो भाई ग्रास पर किस पर खेला जाता है ग्रास पर खेला जाता है वेन्यू इसका क्या है तो लंडन में ये खेला जाता है और इसकी जो आ, मतलब ये 2020 की भी बात करूं तो लंदन में ही हुआ था और लंदन में ये होता भी है और प्राइज मनी बच्चे जो है इसकी पाउंड में है इसकी प्राइज मनी किसमें पाउंड में है बैंकपुर वालों मतलब यार हद कर दी है उन्नीस वॉचिंग है क्या ही कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो बेटा मांडवी अंकित दीपक चलो सभी हैं ओके okay. बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन लोटस अगर आप एसबीआई क्लर्क सिलेक्ट हुए वेरी गुड तो देखो आपको पता है कि ये जो विंबलडन है ये ग्रास पर खेला जाता है विंबलडन किस पर खेला जाता है ग्रास पर खेला जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपने हमने क्या डिस्कस किया था विंबलडन के कुछ की पॉइंट हमने देखे हैं की पॉइंट देखो क्या है कब से शुरू हुआ अठारह कब से शुरू हुआ है तो अठारह से शुरू हुआ है स्विट्जरलैंड जो है जो रोजर फेडरर हैं जो कि स्विट्जरलैंड से है वो सबसे ज्यादा बार टोटल आठ बार उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है विंबलडन को रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा आठ बार इस टूर्नामेंट को जीता है इन्होंने क्लियर है सभी को चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट था आपका यूएस ओपन यूएस ओपन की बात करें तो अठारह में ये हुआ है यूएस ओपन की बात करें तो अठारह में ये हुआ है डेट की बात करूं तो अगस्त से लेकर सितंबर अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये शुरू हुआ था कोर्ट टाइप जो है भाई इसका हार्ड कोर्ट है ये किस पर खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है ठीक है बात करूं प्राइज मनी की तो भाई प्राइज मनी जो है वो डॉलर में है प्राइज मनी की बात करूं तो प्राइज मनी किस में है डॉलर में है क्लियर है सभी को चलो तो ये है आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो वरना हम तो आगे बढ़ेंगे है ना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चे सेशन को ना शेयर करते जाओ ज्यादा से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये है ना पहले बोलते हो मैम स्टैटिक जी के पढ़ाओ स्टैटिक जी को और जब स्टैटिक जी के पढ़ाते हैं तो आप लोगों को अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट सैटरडे से स्टैटिक जी के नहीं होगा ये लिख कर ले लो मेरे से ठीक है अच्छा दीपक आपका नहीं हुआ तो कोई नहीं एसबीआई पीओ आ रहा है उसमें मतलब इतनी जान लगा दो कि एसबीआई क्लर्क नहीं निकला तो एस बी पीओ तो डेफिनेटली निकल ही जाना चाहिए है ना चलो कोई बात नहीं अभिषेक कोई बात नहीं चलो अब यूएस ओपन की बात करूं तो अगर इसके की पॉइंट देखे तो देखो क्या लिखा है लिखा है यूएस ओपन जो है ये वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन की मैं बात करूं तो ये वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि अठारह में पहली बार आयोजित किया गया था पहली बार कब आयोजित किया गया था अठारह में ठीक है और साथ ही रिचर्ड सियर्स विलियम लर्न एंड बिल टिल्डन जो हैं ये सारे ही क्या थे इन सब ने ही सबसे ज्यादा सात बार इसे जीता इन सब ने ही सबसे ज्यादा कितनी बार तो सात बार इसे जीता है क्लियर है सभी को चलो फैक्ट फाइल हम कल देख चुके थे इसलिए हम इसका ज्यादा रिवीजन करेंगे नहीं ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने फ्रेंच ओपन डिस्कस किया था अब हमें डिस्कस करना है विम्बल कल की क्लास में बच्चे हमने विम्बलडन डिस्कस नहीं किया था तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल विंबलडन के बारे में मैम आपका क्लास स्टार्ट से देखें या करेंट लाइफ से क्योंकि हम स्टार्ट से आ, शिवम आप अभी फिलहाल करंट क्लासेस देख सकते हो बट आप जो रिकॉर्डेड क्लास है उसे एक बार देख लेना ठीक है करंट क्लास विवेक क्रिकेट बस कर देख लो बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी छोड़ो अब क्या ही बोले हटो चलिए तो बेटा देखो आप ना रिकॉर्डेड सेशन एक बार जरूर देख लेना वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है रिकॉर्डेड सेशन आप एक बार जरूर देख लेना अब बात करते हैं हम विंबलडन की विंबलडन की बात करें तो देखो क्या लिखा है लिखा है यहां पर कि द 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विम्बलडन चैंपियनशिप दो की जो विंबलडन चैंपियनशिप थी हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस कोरोना वायरस डिजीज की वजह से इसको कैंसिल किया गया और विंबलडन 2019 के विनर की यहां पर लिस्ट है 2020 का जो था ये जून जुलाई में होना था तो भाई उस समय पर तो मध्य लॉकडाउन था सबसे ज्यादा लॉकडाउन उसी तरह समय पर था और हर देश में था आपको भी ये चीज पता है तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया तो हम यहाँ पर अब कैंसल हो गया तो मतलब 2020 में तो हुआ ही नहीं तो अब हम 2019 का देख लेते हैं देखो क्या लिखा है ये है विंबलडन के टाइटल ठीक है ये है उनके विनर्स और ये है उनके रनर अप ये है विंबलडन के टाइटल विनर और रनर अप चलो देख लेते हैं तो बात करूं सबसे पहले विंबलडन 2019 की लिस्ट है ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना ये विंबलडन 2019 की लिस्ट है तो देखो क्या लिखा है 2019 में जो मैं सिंगल है वो किसने जीता था नोवाक जोकोविच ने दो सॉरी दो में जो मैं सिंगल किसने जीता है तो आपका आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने जीता है

और रनरअप जो थे निकोलस माह एडवर्ड रोजर फेडर वेस्लिन ठीक है उसके बाद बात करूं 2019 का जो विम्स डबल था वो किसने जीता था तो बारबोरा स्ट्रेकोवर हैशिया ने जीता था ठीक है ये दोनों थे विनर रनरअप की बात करूं तो गारीबेला और इज्यू, जो थी ये थी रनरअप ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सड डबल ये आपका क्या है ये है आपका मिक्स डबल मिक्स डबल की अगर मैं बात करूं तो लस्थीना चांद और इवांग डूडिंग जो हैं ये दोनों के दोनों थे विनर और रनर अप जो थे वो थे जेलिमा ओस्टिपोवा और रॉबर्ट लिंस्टेंड ठीक है ये कौन थे ये थे रनर अप ठीक है तो ये कंप्लीट लिस्ट विंबलडन 2020 तो हुआ ही नहीं है 2019 की ये लिस्ट है जब 2020 नहीं हुआ तो भाई आपको 2019 ही पढ़ना पड़ेगा तो उसको एक बार डिस्कस कर लो ओके बिल्कुल हो जाएगी लोटस बिल्कुल आप बैंकिंग सीरीज उसके पहले हो जाएगी मैं आपको बता भी दूं कि इंटरव्यू में केवल और केवल आपका क्या आएगा क्यों प्योर बैंकिंग पूछते आपको बता दूं बच्चे इंटरव्यू में करंट नहीं पूछा जाता प्योर बैंकिंग ठीक है बैंकिंग टर्म्स पर वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं तो एक बार अगर किसी का इंटरव्यू की उम्मीद है तो उसको एक बार प्रिपेयर कर लेना इंपॉर्टेंट है वो ठीक है ना उसको प्रिपेयर कर लेना चलो तो अच्छा मोबाइल से क्लासेस ले रहे हैं इस वजह से इसको जूम कर दूं ठीक है एक्चुअली जूम की जरूरत नहीं है मैं थोड़ा सा आ, ब्राइटनेस कम कर देती हूँ तो आपको वर्ड्स प्रॉपर दिखेंगे ठीक है थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर देते हैं तो आपको वर्ड्स प्रॉपर दिखेंगे क्योंकि ये जूम होगा तो आधी चीजें इसमें ऑलरेडी कट जाएंगी तो जूम होने का सेंस नहीं बनता है जूम होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे आधी चीजें कट जाएंगी जूम होने का सेंस नहीं बनता अब मैं दो मिनट के लिए साइड में हूँगी आप सभी फटाफट से स्क्रीन ले लेना ठीक है ओके okay, दीपक मंथली करंट अफेयर्स होगा नहीं कल नहीं होगा दीपक बच्चे सभी को बता दो मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लासेस थी अब वो कल ना होकर वो होंगी नेक्स्ट संडे मतलब तीन तारीख को ठीक है जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस थी बेटा अब वो कल ना होकर नेक्स्ट संडे होंगी तीन तारीख को याद रखना नेक्स्ट संडे तीन तारीख को वो क्लासेस होंगी क्लियर है ना सभी को चलो चलो सारे समझ में आ जाएंगे लोटस सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चे ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा चलो मैं दो मिनट के लिए साइड हो रही है स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं होता है। चलो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा समय तो लगता नहीं है सेशन को शेयर कर दो इसका पीडीएफ दीजिए मैम अभी दे दू क्या ऑनलाइन ऐसे ही सब्र कर लो थोड़ा सा मिल जाएगा टेंशन ना लो मुस्कान जी आपका क्या मैसेज है बताइए आपको क्या डाउट है क्या दिक्कत है बताओ रिप्लाई मिलेगा आपको ठीक है रिप्लाई कर दूंगी मैं अभी देखो ये आपका नेक्स्ट रहा नेक्स्ट आपका क्या है यूएस ओपन नेक्स्ट आपका क्या है यूएस ओपन यूएस ओपन की बात करूं तो देखो क्या लिखा है लिखा है कोविड 19 महामारी के कारण दो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट इक्कीस अगस्त से तेरह सितंबर कब की बात हो रही है इक्तीस अगस्त से लेकर तेरह सितंबर 2020 तक दर्शकों के बिना आयोजित किया गया ये गेम हुआ तो था लेकिन उसमें दर्शक नहीं थे जैसा कि आपका आईपीएल था आईपीएल वालों ने भी बड़ा बेवकूफ बनाया फ्री फोकट का हल्ला दिखा रहे थे बैक में अगर आपको पता हो तो ग्राउंड बैक साइड पे जबकि ऐसा कुछ नहीं था बच्चे मैं आपको बता दू ऐसा कुछ नहीं था आईपीएल भी बिना दर्शकों का गेम हुआ था इस बार जो आईपीएल हुआ था ना वो बिना दर्शकों के हुआ था इस बार का आईपीएल ठीक है चलो कुछ नहीं बोलना चाहती नुकसान सॉरी मुस्कान मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहती ठीक है लेट इट गो क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं बैंकिंग में विवेक कुछ नहीं बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका परसेंटेज तक मैटर नहीं करते उसमें कि कितने परसेंट होना जरूरी है बस ग्रेजुएशन होना चाहिए दैट इज ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यूएस ओपन की इसकी लिस्ट तो बड़ी करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ ये लिटरली कुछ ज्यादा ही छोटा है चलो देखो लिखा हुआ है अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो क्या लिखा है बात हो रही है यूएस ओपन की मैं सिंगल किसने जीता था डोमिनियम ने ठीक है जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं कली बताया था और रनर अप थे अलेक्जेंडर जेवरेज उसके बाद अगर विमेन सिंगल ये सब यूएस ओपन 2020 की लिस्ट है ठीक है विमेन्स सिंगल की बात करें तो नाओमी ओसाका ने जीता था भाई ये जापान से बिलोंग करती है ठीक है और विक्टोरिया अजारा रेंका जो थी ये रनर अप थी नेक्स्ट आपका था मैं डबल तो मैं डबल जीता था मार्टे पेविक एंड ब्रूनो सोर्स ने और वेस्ले कोलाक जो थे ये कौन थे रनरअप और निकोला और विमेन्स डबल की अगर मैं बात करूं तो लोरा सिगमेन और वेरा जी ने जीता था विमेंस डबल और यूएस ओपन का विमेंस डबल और निकोल मेलिचियर एंड जू इफाई जो थे ये थे रनर अप फटाफट से स्क्रीनशॉट लोइ का फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो बच्चे एक बार फटाफट से सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल फटाफट सभी को स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी जल्दी लेना है, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे Yeah. Lo <coughs> <coughs> चलो तो यार ये हैंगिंग सिस्टम सम टेक्निकल इशू या देयर आर सम टेक्निकल इशू बट नाउ एवरीथिंग इज ओके क्या हुआ पोस्टर ओके okay. तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू था साउंड नथिंग कुछ भी नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इशू था अभी टेक्निकल इशू आपका रिजोल्व हो गया है बस एंड नहीं हुई है क्लास टेक्निकल इशू आपका रिजोल्व हो गया है ठीक है ना तो टेक्निकल एंड वेंड नहीं हुई है क्लास भाई एंड नहीं हुई है कहां भाग रहे हो टेक्निकल इशू था वो रिजोल्व मैंने कर दिया है बेटा टेक्निकल इशू था वो रिजोल्व कर दिया है क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही थी तो आवाज क्यों आएगी जब मैं बात ही नहीं कर रही हूं तो आवाज क्यों आएगी कुछ हम टेक्निकल इशू थे बट एरर आपका सॉल्व हो चुका है अभी वापस आ जाओ तो बात करेंगे हमने 2020 का तो देख ही लिया है 2020 का हमने देख ही लिया और ऐसा देखा कि ये वहीं अटक गया ठीक है तो ये रहा आपका 2020 का स्क्रीनशॉट ले लो इसको फिर हम 2019 के रनर से देखेंगे विनर एंड रनर अप 2019 का फिर हम रनर अप और विनर देखेंगे और ये रहे आपके 2019 के विनर और रनर अप चलो तो देखें सबसे पहले ये हैं आपके 2019 के टाइटल ये हैं विनर और ये हैं रनर अप ठीक है मेंस सिंगल फाइनल की बात करूं 2019 में जीता था राफेल नडाल ने जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं और रनर अप थे डैनियल मेडेरवेक सॉरी विमेन सिंगल की अगर बात करें तो बियांका एंड्रेस क्यू ने जीता था और रनर अप कौन थी सेरेना विलियम्स मैं डबल की बात करें तो जुआन सेबिस्टिन ने और रॉबर्ट फरा ने जीता था जबकि मार्शल गैंडलोस और हॉराकी जैम्बलिस क्या थे ये दोनों रनर अप थे विमेंस डबल की बात करें तो एल्स और हरियाणा ने जीता था विमेंस डबल और इनकी रनर अप थी विक्टोरिया और बार्टी बात करूं अगर मिक्सड डबल की तो उसमें पता है आपको मिक्स्ड डबल में एक मैन होता है एक विमेन होती है तो मैं जीता था बैथीन मैटे ने और जैमी मर्रे ने और सॉरी मिक्स डबल जीता था बैथीन मैटे और जैमी मर्रे ने और इसके रनरअप कौन थे चान हाउचिंग और माइकल वेनस ठीक है तो रनर अप मीन्स लूजर होते हैं जिनको ये हरा कर आगे पहुंचे रहते हैं बट उनको हम रनर अप कहेंगे लूजर नहीं कहेंगे वाह भाई वाह भाई ये तो अच्छी बात है दिव्यांशी आप भी आ गई बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं दिव्यांशी मुझे क्या बात है इतने दिनों से कहा थे बच्चे आप लोग बड़े दिनों बाद आए एग्जामपुर पर जितने भी बच्चे हो ना फटा फटाफट से एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस सब्सक्राइब करो एग्जामपुर पर जितने भी बच्चे हैं बच्चे फटाफट से एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप कर सकते हैं है ना तो इसका स्क्रीन लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे सभी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट फट स्क्रीन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे okay. चलो तो देखो ये रहा टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर 2019 का 2019 में जो फाइनल विनर थे टेनिस ग्रैंड स्लैम के मतलब फाइनली जिनको ग्रैंड स्लैम मिल गया वो विनर कौन थे क्या बात है भाई कौन फेंक रहा है कौन लपेट रहा है चुप रहो चुपचाप चुप ओके अच्छा आप भी हैं करण ओके बहुत शानदार आशीष फिर तो आप अपना सिलेक्शन समझो बेटा इंग्लिश बताओ इंग्लिश में कितने बन रहे हैं ओके आई एम कम बैक ओके मुस्कान चलिए फिर से आपका स्वागत है तो बात करेंगे आप फाइनल ग्रैंड स्लैम 2019 की फाइनल ग्रैंड स्लैम 2019 की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इनके विनर रहे हैं दो व्यक्ति मैन से सिंगल था नोवाक जोकोविच को मिला है सर्बिया से जो थे और विमेन सिंगल मिला था नाउमी ओसाका को जो कि जापान से थी ये दोनों इनको फाइनल मिले थे फ्रेंच ओपन की बात करें तो मैन से सिंगल मिला था राफेल नडाल को जो कि स्पेन से थे और विमेन सिंगल मिला था एशलिया बार्टी को जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी विंबलडन की बात करें तो मैन सिंगल नोवाक जोकोविच को मिला था जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं सिंगल सिमोना हालेप को मिला था जो कि रोमानिया से बिलोंग करती हैं और जो यूएस ओपन हुआ था वो मैं से सिंगल मिला था राफेल नडाल को ठीक है जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं और वीमन से सिंगल मिला था बियांका एंड्रेसी को ठीक है तो इसका भी फटाफट से सभी स्क्रीन शॉट ले लो बच्चे इसका भी फटाफट से सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे ओके okay. और उम्मीद है ले लिया होगा क्योंकि इन सब कामों में तो भाई आप एक्सपर्ट होते हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो बच्चे आज के इस सेशन को आप काफी चलो तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और कल तो नहीं कल संडे है देखो मैं आपको बता दूं बच्चे जिनकी भी क्लास 27 तारीख मतलब कल जिनकी भी करंट अफेयर की महा मैराथन थी वो अब नेक्स्ट संडे होगी करंट अफेयर की जो महा मैराथन की क्लास है तो उस मैराथन क्लास को हम विराम देते हैं ना वो क्लास होगी अब आपकी नेक्स्ट संडे तो आपको क्या करना है भाई आपको बने रहना है सेशन में मंडे में लेंगे मंडे एक बेहतरीन टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट का करेंगे डिस्कशन देखो आप सभी ने हमेशा टीवी में देखा होगा निफ्टी इतनी बढ़ गई डॉल सेंसेक्स इतना घट गया ये हो गया वो तो आप फटाफट से बिल्कुल चैनल को बदल देते हो कि यार ये इतना बोरिंग कौन देखे है ना ऐसा होता है और आप भरोसा करिए कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे मंडे से वो वो चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है और ना सिर्फ आपको मजा आने वाला है बल्कि आपकी रग रग में फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट क्या होता है निफ्टी क्या होती है सेंसेक्स क्या होता है ये सब आपके एकदम जहन में भर जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूं है ना तो चलो बच्चे तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं एग्जामपुर पर जितने भी बच्चे हैं आप अपने यूट्यूब पर जाइए और एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब करिए तो बच्चे आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सेशन के साथ तब तक के लिए ब बाय टेक केयर अपना ख्याल रखे जुड़े रहें एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के साथ और एग्जामपुर मेन चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है अगर कोई आपका कमेंट या सुझाव है तो ऑफलाइन वीडियो में कमेंट कर सकते हैं बेहचक आपको रिप्लाई में खुद दूंगी ठीक है so, सो बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखें जुड़े रहें एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के साथ जय हिंद जय भारत आर यू रेडी टू एस योर प्रिपरेशन आर यू रेडी टू फुलफिल योर ड्रीम आर यू रेडी फॉर दिस अल्टीमेट चैलेंज आर यू रेडी टू टेक वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एक ऐसा महासंग्राम जो बैंकिंग एक्सपेरेंट्स को लाएगा अपनी मंजिल के करीब रोड इज टफ बट यू आर टफर किस यूट्यूब चैनल पर होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस जहां आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस बाय बेस्ट बैंकिंग फैकल्टीज रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम फॉर फ्री क्लासेज सब्सक्राइब टू एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अडे